महावारी स्वच्छता दिवस पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम के द्वारा महावारी चक्र स्वच्छता व साथ ही सैनिटरी नैपकिन के उपयोग को लेकर स्वच्छता का संदेश देते हुए कैलेंडर का विमोचन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने बताया कि किशोरावस्था में लड़कियों को महावारी प्रारंभ होती है, माताओं को उनके संबंध में जानकारी देकर जागरूक करना चाहिए। वर्तमान में शासन एवं अन्य एनजीओ द्वारा सैनिटरी नैपकिन दिया जा रहा है, इसके साथ अस्वच्छता के कारण अन्य बीमारियों के संबंध में जानकारी दी गई। महावारी के संबंध में बताया गया कि इससे डरने व झिझकने की जरूरत नहीं है। महावारी एक नियमित चक्र है जो 12 की किशोरी से लेकर 55 से 60 वर्ष तक आता है। इसके लिए स्वच्छता नियमावली का पालन करना चाहिए, चिकित्सकों से अपनी बात साझा करना चाहिए। सरकारी स्कूलों व अस्पतालों में निःशुल्क पैड का वितरण किया जाता है, साथ ही अन्य जरूरी जानकारी भी यहाँ पर दी जाती है जिससे अंदरूनी बीमारियों से बचा जा सकता है। ये स्वच्छता महावारी दिवस है जिसके इसमें हम लोगों ने आज प्रोग्राम किया है और लोगों को समझाइश देना, हमारे खुद के स्टाफ को इसके बारे में बताना और हमारा स्टाफ हेल्थ का स्टाफ जितना है जो फील्ड में घूमता है, उन सभी स्टाफ लोग जो अपने दौरे पे निकलते हैं हर जगह जाके, चाहे वो स्कूल हो चाहे कोई भी क्लासेस हो, उनमें जा करके इसके बारे में बताना, स्वच्छता के बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना, यही उपदेश है आप आज का। और इससे क्या फ़ायदा होता है इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, तो मेरा भी यही मानना है कि आप लोग सब जो हैं इसके बारे में जानें और बच्चों को जो यंग है अभी उनको इसके संबंध में बताएं, ताकि हम किसी भी बहुत पुरानी जो बीमारियां दिखती थी आजकल वो कम हो गई हैं, क्योंकि इससे बहुत बीमारियां होती थी। पहले लोग गंदा कपड़ा यूज़ करते थे, आजकल कभी कोई नहीं करता है, लेकिन इसे पहचानना और इसके बारे में सोचना और लोगों को समझाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग एक इसमें अपने नए बच्चों को ज़रूर बताएंगे। बहरहाल इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पदाधिकारियों सहित समस्त स्टाफ ने शामिल होकर आयोजन को सफल बनाया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेन खरे की रिपोर्ट।